सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज किस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ कीबोर्ड एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना, कैसे आपको यूज करना, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, क्या फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन करें, यहाँ पर कीबोर्ड दिस गूगल कीबोर्ड एप्लीकेशन आपको इस्तेमाल इंस्टॉल कर लेना है। पहले से मैंने इंस्टॉल कर लिया, चलिए इसके यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का यहाँ पे डिस्प्ले आपके शो होगा। यहाँ पे इनेबल इन सेटिंग में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये कीबोर्ड एप्लीकेशन को, ये कीबोर्ड को देखिए यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट इनपुट इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको कीबोर्ड फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेना। देखिए आपको इस तरह का डिस्प्ले आपके पास खुल कर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज आ जाएगी, बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको लैंग्वेज क्लिक करना पड़ेगा। आप जो लैंग्वेज भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ पर कीबोर्ड आपको मिल जाएगा जो अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश। इस पर मैंने टिक कर दिया, नहीं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं इसको टिक कर लेना। यहाँ पे आपको अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी भी सेट के सेट कर सकते हैं। कंप्लीट करना, कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट पे आप क्लिक आराम से यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डन पे क्लिक करना, मैंने कंप्लीट पे किया, डन पे क्लिक करना पड़ेगा। डन पे यहाँ पे ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा फंडिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर लैंग्वेज आपको आ जाएगी। चाहे यहाँ पे मैं हिंदी इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करना पड़ेगा। डन पे क्लिक किया, ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। आपको यहाँ पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद कोई सा भी एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ओपन होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट में मैं व्हाट्सअप एप्लीकेशन यहाँ ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ जो पासवर्ड मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह फंडिंग आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करा। आप यहाँ पर देखिए टाइप ए मैसेज पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का लोगो आपके पास खुल के यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको फंडिंग यहाँ पे देखा देगा। यहाँ पे इस पर कोई क्लिक करना, यहाँ पे देखा ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे यहाँ पे कुछ मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप कर सकते, जैसे यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने यहाँ पे आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करेंगे, बहुत सारा आपको स्टिकर यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह का आपके पास ये किसी चीज़ में लगा सकते, जैसे आप यूट्यूब में काम करते हो किसी चीज़ में यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब पे काम करती है सभी कीबोर्ड आपको यूट्यूब पर बहुत सारा आपको कीबोर्ड ये यूट्यूब पर आपको बहुत सारा कीबोर्ड आपको काम आ जाएगा। ये सब यूट्यूब पर कीबोर्ड यहाँ पे देखेंगे तो और भी सारा कीबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बाइक से रिलेटेड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रूट से रिलेटेड आपको कीबोर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको गिफ्ट से रिलेटेड आपको कीबोर्ड मिल जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एक कंट्री वाइज झंडा आपको यहाँ पे कीबोर्ड आपको यहाँ पे सब मिलता चलेगा आपको यहाँ पे। इस पर क्लिक करेंगे आपको कीबोर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ट्रैफिक से लेकर यहाँ पे कीबोर्ड आपको सारे मिलते रहेंगे। जो कीबोर्ड आप यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। लैंडलाइन का मोबाइल का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये सर आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको कीबोर्ड देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। कीबोर्ड को आप कहीं पर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। ये यहाँ पे आपको साइड में थ्री लाइन देगा, थ्री लाइन पे क्लिक करना। यहाँ पे को थैम्स पे क्लिक करना। थैम्स पे क्लिक करना, यहाँ पे बहुत सारा वॉलपेपर आ जाएगा जो आप जहाँ पे मैसेज टाइपिंग करते हैं इसके बैकग्राउंड में वो वॉलपेपर लगा सकते जाके, यानी कि यूनिक देखने में एचडी क्वालिटी देखने में लगेगा। और यहाँ पे चूज प्लस पे क्लिक करेंगे जो आपका गैलरी में फोटो है वो फोटो के वहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा वॉलपेपर और यहाँ पे शो हो जाएगा। जो वॉलपेपर लगाना चाहते हैं वो वॉल पे जाके, अब मेरा नेट यहाँ पे स्लो चल रहा है, वॉलपेपर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे कोई से लगाना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना, टिक मार पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको वहाँ पर कलर मिल जाएगा। जो कलर लेना चाहते हैं वो कलर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, वो कलर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ ये भी कलर लेना चाहते हैं इस पर ये कलर देखिए मिल जाता है। जैसे मैं ये कलर लेना चाहूँ अप्लाई पर क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपके पास यहाँ पे कलर आ जाएगा। अगर जो कलर लेना चाहते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करना, थम्स पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, बहुत सारा यहाँ पे सो मोर पे क्लिक करें, बहुत सारा कलर यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। जो कलर आपको वहाँ पे बेस्ट लगता है वो कलर को वहाँ पर डाल सकते हैं, वो कलर को यहाँ पर लगा सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करना, वो कलर वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये है कीबोर्ड एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इस एप्लीकेशन में कैसे आपको यूज करना है मैंने पूरा डिटेल्स में
आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं।